तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा 1mg विटामिन सी प्लस टैबलेट के बारे में। अब इस टैबलेट के क्या फ़ायदे हैं, इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं, कैसे लेना होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या आपको प्रिकॉशन रखने हैं, ये सारी जानकारियां जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए थोड़ा सा प्राइस से शुरुआत कर देता हूं, तो 175 रुपये में ये आपको 30 टैबलेट मिलती हैं, तो ज़्यादा महंगी नहीं है। और प्राइस जो है आज की है वो मैंने तरफ बताई है, प्राइस समय के अनुसार बढ़ती रहती है। अब सबसे मेन बात है कि टाटा 1mg की जो ये मेडिसिन है कहाँ से लेना है, तो देखिए इसको आप जो है ले सकते हैं टाटा MG की जो है, टाटा 1mg की जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है उधर से आप इसको खरीद सकते हो। और इसमें जो है आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब ये 175 रुपीज़ से भी आपको कम में मिल जाएगी। अब कंपोजिशन में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, तो विटामिन सी है जो कि 500 mg में रहेगा, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 है जिसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ये रहेगा 400 इंटरनेशनल यूनिट में। इसके अलावा जिंक है जो कि आपका रहेगा 5mg में। तो इन तीन जो है इंग्रेडिएंट के द्वारा ये विटामिन सी प्लस टैबलेट बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं किन किन लोगों को लेना चाहिए या फिर इसके जो है क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम आज की डेट में कमज़ोर है या आप जो है अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ख़ास तौर से देखिए जिनको बार बार इन्फेक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो ये मेडिसिन क्या करती है कि इन्फेक्शन से बचाती है, इन्फेक्शन होने से रोकती है। इसके अलावा कई लोगों में ये भी देखा है कि बार बार सर्दी खांसी बुखार इस टाइप से भी होने लगता है, तो वो क्यों होता है, एलर्जी होने लगती है, वो क्यों होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। तो ये क्या करती है कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है मेडिसिन। इसके अलावा देखिए कोई घाव वगैरह है, अगर आपको कोई चोट वगैरह लग गई है तो जो है उसको जल्दी ठीक करती है, हील करने का काम करती है। इसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, क्योंकि ये करती क्या है कि कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है ना उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। अगर वो अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा कैल्शियम फॉस्फोरस, तो क्या होगा कि आपको हड्डियों से जुड़ी बीमारियां जो है नहीं होंगी और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इसके अलावा देखिए ये मेटाबॉलिज्म को जो है बूस्ट करने में मदद करती है मेडिसिन। इसके अलावा थायराइड फंक्शन को भी बेहतर करती है मेडिसिन। इसके अलावा स्किन के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, आपकी स्किन में ग्लो लाती है, हेल्दी रखती है, और कोई डार्क स्पॉट वगैरह है तो उससे भी बचाती है, डार्क स्पॉट होने से उसमें मदद करेगी। इसके अलावा देखिए आपके अगर मसूड़ों से जो है खून आने की समस्या है, ब्लीडिंग गम्स जो हम बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखिए विटामिन सी जैसी जो मतलब सप्लीमेंट है उसकी कमी हो सकती है, विटामिन सी की कमी हो सकती है। इसके अलावा इसकी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब फ्री रेडिकल डैमेज से भी ये मेडिसिन बचाती है। तो ये जो है इस मेडिसिन के भाई फ़ायदे हैं, और जो मेन फ़ायदे उनके बारे में आपको बता दिया। और काफ़ी अच्छी कंपनी है टाटा 1mg, तो एक जो है अच्छी कंपनी की अगर आप विटामिन सी प्लस कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब डोज के बारे में बात करें, अगर आप ही लेते हो तो खाना कैसे है, तो देखिए एक टैबलेट आपको एक दिन में लेना होता है, केवल एक ही टैबलेट लीजिए और इसको जो है चूस सकते हैं, चूसने वाली मेडिसिन है। और भाई कई लोगों में मैंने देखा है कि टेस्ट उनको पसंद नहीं आता है, बहुत खट्टा खट्टा लगता है, तो देखिए विटामिन सी रहेगा तो खट्टा तो रहेगा ही, तो ऐसा लगता है तो आप इसको सॉलो कर सकते हैं पानी के साथ, कोई दिक्कत इधर ऐसा नहीं है। तो इधर जो है एक दिन में एक ही बार लीजिए, और इसको मेल फीमेल को भी ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को देना, छोटे बच्चे नहीं, जो बच्चे टैबलेट वगैरह ले सकते हैं इतने बड़े हो, अगर बच्चे हो गए तो वो ले सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो डॉक्टर सलाह करें, बाकी प्रेगनेंसी में भी इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है इस मेडिसिन को। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट वैसे तो कुछ भी नहीं है इसका, लेकिन फिर भी अगर कुछ पेट खराब होता है, शरीर में ईचिंग रैसेस, कुछ आपको ऐसा लगता है कि इस मेडिसिन के जो है लेने के बाद प्रॉब्लम हो रही, तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर देंगे तो आपके साइड इफेक्ट भी बंद हो जाएंगे। और आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए जो है अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। आप कोई दूसरी मेडिसिन चलती है तो उसके साथ ले सकते हैं कि नहीं, तो देखिए इस टाइप से मेडिसिन नहीं होना चाहिए, स्पेशली विटामिन सी वाली, बाकी कोई भी ले सकते हैं, इधर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो है भाई कब तक लें, तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर, प्रॉब्लम पर, तो 1 से 3 महीने तक ले सकते हैं आप इसको जो है बेस्ट रिजल्ट के लिए। और आप चाहें तो इसको 1 महीने भी ले सकते हैं, अगर 1 महीना तो ज़रूर लीजिए, 1 महीना लोगे तो आपको जो इसका रिज़ल्ट जो है दिखने लगेगा। अब भाई इधर कुछ मैं एडवाइस दूंगा, कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, तो कुछ जो है हमको सावधानियां बरतनी रहती है, कुछ जो है हमको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली, बाहर का खाना पीना, सब बंद करें। ये सब बंद करोगे तो इस मेडिसिन का आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप हमेशा एक हेल्दी डाइट रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए,
और इसके अलावा हमको क्या करना है कि एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज अगर आप करते रहते हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा जो है इस मेडिसिन का जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।